तो यार खुश तो आज तुम लोग बहुत हो गए, क्योंकि जवान मूवी का प्रीव्यू वीडियो आया है यार। सच में इस वीडियो को देखने के बाद ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, ऐसा लग रहा है कि भाई क्या ही बेहतरीन चीजें इन लोगों ने बना दिया। चलो फिर बिना लेट करते हुए ये प्रीव्यू वीडियो का ना ब्रेकडाउन करते हैं, तोड़ते हैं, साथ साथ ना तो मैं स्टोरी बताऊंगा स्टोरी एक्चुअली में क्या होने वाला है। इसलिए भाई इस वीडियो को प्रॉपर तुमने लास्ट तक जरूर देखना, सच में बोल रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है यार। और अभी तक जो भी वाला चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू बाइट, आते अपने जवान पे। अगर तुम लोग याद होगा मैंने 3-4 दिन पहले ही ये चीज बता दिया हुआ था, शाहरुख खान का इस फिल्म में ना मीन जवान में ना 5 लुक होने वाला है। ये 5 लुक का प्रीव्यू वाले वीडियो में इन लोगों ने डाला हुआ है। इसके साथ साथ दूसरा चीज है, ये मैंने नोटिस करा, इस फिल्म में शाहरुख खान का डबल रोल होने वाला है। एक होने वाला है बाप और दूसरा होने वाला है बेटा। बेटा का नाम होने वाला आजाद। बेसिकली ये वाला टीजर में आजाद नाम नहीं लिया गया, लेकिन हाँ मुझे ये पता है ये फिल्म में शाहरुख खान के बेटे का नाम आजाद होने वाला है। इसके साथ साथ बेटे की बात करते हैं, बेटा जेलर है। शाहरुख खान के अलावा जो नयनतारा है वो बनी हुई है पुलिस ऑफिसर। एक और यहाँ मजे की तुम लोग की बात बता दूँ, शाहरुख खान का बेटा और ये नयनतारा के बीच में थोड़ा ये रोमांस वाला एंगल तुम्हें देखने को मिलेगा। सो उसके बाद बात कर लेते अपने विजय सेतुपति की, कितना मैंने नोटिस करा विजय सेतुपति ऐसा लग रहा है कि वो भी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये प्रीव्यू वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो शाहरुख खान को फंसाते हैं, देन उसके बाद शाहरुख खान बदला लेते हैं। बात कर लेते हैं दीपिका पादुकोण की, क्योंकि दीपिका पादुकोण के भी भाई ये वाला प्रीव्यू वीडियो में डाला गया। अगर तुमने दीपिका पादुकोण वाले सीन को नोटिस करोगे एक बंदे को वो पैसा पटा कर रही है। इसके साथ अगर तुम थोड़ा पीछे नजर डालोगे, पीछे ना वो पंजाबी में कुछ ऐसा चीजें ना लिखा हुआ आ रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है एक पंजाबी लड़की का है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि स्टोरी होने वाला है एक बाप और बेटे की, बाप के साथ कुछ ऐसा चीजें हुआ होता है जिसका बदला ये शाहरुख खान मीन्स उनका बेटा लेता है। ये सिंपल स्टोरी होने वाली है, बट हाँ प्रेजेंटेशन काफी हार्ड होने वाला है, क्योंकि ये फिल्म को जो डायरेक्टर साहब एटली कुमार वो खतरनाक लेवल पे प्रेजेंट करते हैं कोई फिल्म का यार। सिंपल स्टोरी इनके फिल्मों का एक खास बात नहीं होता है, प्लॉट बहुत सिंपल रखते हैं। फिल्मों को देखने टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा यार इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में देखा है, लेकिन फिर भी उनकी फिल्में ना एकदम प्रॉपर बांध के रखती है, प्रॉपर ग्रिप करके रखती है कि मास वाला एंगल काफी डालते हैं, एक्शन सिक्वेंस काफी है, वो चेज वाले सिक्वेंस जो मैं तुम लोग बताया वाला ट्रेन वाला सिक्वेंस भी डाले गया है, मेट्रो वाला सिक्वेंस भी डाले गया है, इसके साथ साथ रोड चेज वाले भी सिक्वेंस हम सबको देखने को मिला है। अच्छा लग रहा है, प्रॉपर भाई हार्डकोर वाला फिल्म है, मसालेदार फिल्म है। हेलीकॉप्टर वाले जो सीन देख रहे हो भाई कैसा उलट के भाई शाहरुख खान ऐसा चढ़ता है, फिर वो एक पंच ऐसा मारता है वो ग्लास तोड़ के बाहर निकलता है, वो वाला सीन भी काफी ज्यादा अच्छा है। एक्शन कोरियोग्राफ काफी सही करे गए भाई, मतलब मजा आ रहा है देख के। सो ये प्रीव्यू वाले वीडियो को देखने के बाद यही सारी चीजें मैंने नोटिस करा है। सो मैं सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग ने क्या नोटिस करा, अगर मेरे से कोई चीज छूट गया होगा तो तुम लोग भाई कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा वो चीजों को मैं किसी और वीडियो में ना कवर कर लूं। बट हाँ कमेंट करके तुम लोग जरूर बताना। ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बचाते रहो।